आज तो हम बात करेंगे जी कंडीशन ऑफ कंक्रसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन यानी आज हम देखेंगे कि वो क्या कंडीशन है जिसके तहत थ्री लाइंस एक ही पॉइंट से पास करते हमें इंश्योरेंस हो सके जैसे अगर से अगर लाइन एल वन है ठीक है लाइन एल वन इज इक्वल टू ए वन एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इज इक्वल टू नंबर वन है लाइन एल टू है यानी ये लाइन वन है ये लाइन टू है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई सॉरी सी वन है प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो इसके बाद एल थ्री लाइन है विच इज इक्वल टू ए थ्री एक्स प्लस ए थ्री वाई सॉरी ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई ठीक है प्लस बी थ्री वाई प्लस सी

हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तीनों की तीनों लाइंस किसी एक पॉइंट से टच करती हैं दैट मींस कि तीनों की तीनों लाइंस क्या हैं कंकरेंट हैं हैं क्या कंकरेंट है, है. अब इसी को डेंटिफाई करने के लिए हम जानते हैं हम जानते हैं कि हमने हमने पढ़ रखा है कि अगर लाइंस कंकरेंट हैं ठीक है इफ लाइंस आर कंकरेंट इफ लाइंस आर कंकरेंट मतलब कि वो अगर एक पॉइंट से पास कर रही हैं तीनों कंकरेंट कंकरेंट ठीक है इसका मतलब है दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट ठीक है दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट दे मस्ट दे मस्ट हैव दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट चलिए ये बात होगी इफ लाइंस आर कंकरेंट दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट अच्छा अब अगर उनका कॉमन पॉइंट है लेट्स से वो पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट है x1 एंड y1 सॉरी वो पॉइंट है जी वो पॉइंट है

लेट से उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई ठीक है देखें हमारे पास बेसिकली थ्री लाइंस है लाइन एल वन ये है ठीक है एंड लाइन एल टू ये और लाइन एल थ्री ये है ठीक है तभी ये कांक्रेट है? है जब ये एक पॉइंट से पास करिए अब ये जो पॉइंट इज दिस पॉइंट इज ये जो पॉइंट है ठीक है ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन ठीक है एक्स वन वाई वन अब अगर हम इसमें से इनमें से कोई सी दो लाइन लड़से एल वन और एल टू ठीक है एल टू इन दोनों को देखें तो हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों आ, इंटरसेक्टिंग लाइन है अगर ये नॉन तो जिस पॉइंट इंटरसेक्ट करिए इसका मतलब एक्स जो कि हमने जैसे पढ़ा था एक्स किस को आ जाएगा बी वन सी टू ठीक है माइनस बी टू सी वन इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने ये प्रूव किया है कि अगर लाइंस दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आप सीशा इस गिवन होगा ए टू बी वन यानी ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन एफ सी होगा और ऑर्डिनेट होगा ऑर्डिनेट होगा ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ए वन बी टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन चले अगर हमारे पास एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट आ गया ठीक है यानी हमें पता चल गया दो लाइन जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है तो डेफिनेटली थर्ड लाइन जो है मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूं ठीक है वो भी इसी पॉइंट से पास करेगी तभी वो कॉन्करेंट है अगर इस पॉइंट पे पास करते इसका मतलब है एक्स भी उस पॉइंट के ऊपर लाई करता है वाई भी उस पॉइंट के ऊपर लाई करता है अब थर्ड लाइन की इक्वेजन है क्या थर्ड लाइन की इक्वेजन है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा कि ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू यहां पे यानी बिकॉज ये पॉइंट जो है यानी ये पॉइंट ये वाला पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर भी लाइक करता है तभी वो कॉन्करेंट है तो वापिस एक्स की जगह इंसर्ट कर लें पॉइंट वाई जो है ये भी इस लाइन पे लाइक करता है आप इसको भी वाई की जगह इंसर्ट कर लें तो बन जाएगा ए थ्री एक्स क्या है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन और ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन प्लस बी थ्री बी थ्री इंटू ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू यानी वैल्यू ऑफ वाई वैल्यू ऑफ वाई यहाँ पे इंसर्ट की जा रही है डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी ठीक है ये हो गया ठीक है और प्लस सी थ्री प्लस प्लस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो चले अब आप इसको सॉल्व करें अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इस ऑन सॉल्व करने पे हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाती है सॉल्व करने पे हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाएगी अगर आप देखें तो डेफिनेटली आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सी थ्री इंटू दिस थिंग आप अगले डिनोमिनेटर अगर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन तो आप सी थ्री को भी यानी ये एज इट इज आ जाएगा मैं इसकी इक्वालिटी का साइन आई मीन ये साइन लिख रहा हूँ विच मीनस की एज इट इज प्लस ये भी एज इट इज बी टू इंटू दिस वन और आप क्या करेंगे प्लस सी थ्री इन टू सी थ्री इन टू इसके न के साथ भी ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन मल्टीप्लाई कराए ठीक है रूल ये रूल है कि आप अगर मल्टीप्लाई कराएंगे इसका मतलब ये हुआ, मतलब हुआ कि अगर आप, आप देखें ये भी ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन है और तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए अगर तीनों के डिनोमिनेटर सेम है अगर तीनों के डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब है कि आप ए ए वन बी टू माइनस ए टू ए टू बी वन ले लेंगे एल्शियम यानी जोटर सेम होने पे यही है एज इट इज एल्सियम आ जाएगा और निमरेटर में ए थ्री इन टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन ठीक है प्लस बी थ्री बिकॉज वन टाइम होगा ए टू सी वन एल्शियम लेना आपको आता है माइनस ए वन सी टू ठीक है प्लस सी थ्री इन टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ठीक है एज इट इज एंड इज इक्वल टू जीरो टू जीरो अब ये चीज जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगी जाके जब ये चीज राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगी जाके तो ये चीज बन जाएगी आपके पास ये बिकॉज ये मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जो है मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं ठीक है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा यानी आपके पास एज इट इज एज एन आंसर आ जाएगी ठीक है चलें आप इसको कम्प्लीटली दोबारा से कॉपी कर लेते हैं जी कॉपी किया और यहाँ से इसको यहाँ पे हमने इसको चलें यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया ठीक है चलें यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर चलें जी पेस्ट हो गया आ गया हमारे पास चलें मिस प्रॉब्लम हो रही है चलें जी दोबारा पेस्ट कर लेते हैं चलें ये ये हमारे पास पेस्ट होके यहां पे आ गया अब ये कंडीशन है ये कंडीशन है जिसके तहत हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी तीन लाइन आपस में कंकरेंट है या नहीं है ठीक है कोई भी तीन लाइन आपस में कंकरेंट है या नहीं है फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट मैं लिख सकता हूं ए वन बी वन सी वन आई मीन ए टू बी टू सी टू और ए I mean थ्री अगर इसका डिटर्मिनेंट आपस में क्या हो जाए इसका इक्वल टू आ जाए जीरो तो इसका मतलब है तीनों की तीनों लाइंस क्या होंगी होंगी, तीनों की तीनों लाइंस क्या होंगी बिकॉज होंगी. अगर आप इनका डिटर्मिनेंट लेटिस पढ़ चुके हैं ए वन टू आप देखें ए वन ठीक है ए वन आ गया ठीक है ए वन टू अगर आप ए वन या ए थ्री से अगर आप इसको चले एक्सपेंड कर ले A3 से करेंगे ठीक है या आप देख लें थर्ड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है तो पॉजिटिव होगा ए थ्री ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम छोड़ देंगे तो आ जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाए बी थ्री के मुताबिक ये कॉलम छोड़ दें ये रो छोड़ दें ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन ए वन सी टू लेकिन ये नेगेटिव था की नेगरेव नेगरेव इसको की और इसको पोजीशन को चेंज कर लिया लेकिन अदरवाइज ये उसी फॉर्म में ही लिखी हुई है इसका मतलब है कि दिस फॉर्म इज एक्चुअली द डिटरमिनेंट फॉर्म ठीक है अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं इसी लेक्चर को और हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हमारे पास तीन लाइन यानी इक्वेशन ऑफ थ्री लाइन्स हो तो हम किस तरह से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो तीनों लाइन्स इसी किसी एक पॉइंट से पासन करेंगी या नहीं करेंगी और अगर करेंगी तो उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंस कंकरेंस क्या होगा